बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों रैबिट को मैंने बाहर निकाला हुआ था क्योंकि इनके कमरे की मैंने सफाई करनी थी। और ये देखें, ये बाहर कितने सुकून से बैठे हुए हैं। कमरे की इतनी बुरी कंडीशन थी कि सफाई करते करते मुझे पूरे 30 से 35 मिनट लग गए। कमरा हर जगह से इन्होंने पानी गिरा दिया था, गीला हो गया। थोड़ी देर पंखा चला दूँ जो हवा लगे और कमरा थोड़ा सूख जाए। तीन चार दिन से मैं सफाई नहीं कर पाया था, बहुत ज़्यादा गंदगी थी। अभी देखें हर जगह पे ये लेट रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वरना ये कभी वहाँ भाग रहे थे, बैठ नहीं रहे थे गंदगी की वजह से। सफाई करते करते मेरी कंडीशन बुरी हो गई, इतनी गंदगी थी, सफाई करते करते थक गया। इधर के सफाई कर दी लेकिन वो कचरा सारी छत पर बिखर गया। ये देखो अब ये भी करनी पड़ेगी। चारा मैंने ऊपर रख दिया था, ये मुँह ना मारे। मैंने इधर चारा इसलिए डाला था कि ये कमरे में ना आए और मैं आराम से सफाई कर लूं, लेकिन ये भाई जहां मैं सफाई करूं वहीं ऊपर चढ़ जाएं आकर, ये नहीं मानते। बाहर आया हूं तो कुछ हल्की सी हवा लग रही है, सुकून मिल रहा है। चार पाँच दिन से इनको सही तरह मैं खाना नहीं दे पाया, कमज़ोर हो गए काफ़ी ज़्यादा। मेरे पाँव में आके घुस रहे हैं। जब तक ये थोड़ा टहल लें, हम कबूतरों पर नज़र मारें। दो दिन हो गए कबूतर देखे ही नहीं है। अब ये तो मालूम नहीं बच्चे कितने दिन में आएंगे अंडों में से, लेकिन अंडे देखकर ही खुशी मिलती रहती है। फीमेल बैठी हुई है अंडों पर, चेक तो करें अंडे दो ही हैं या बड़े भी हैं। भाई देखने दो कितने अंडे हैं। मेरे ख्याल से तीन है, उठने दो ही है, दो ही अंडे हैं। बच्चे पता नहीं कितने दिन में निकालते हैं, कोई कह रहा है 25 दिन में, कोई कह रहा है 22 दिन में, ये कंफर्म हो जाए। और इन्होंने अंदर इतनी बुरी हालत की हुई है कि इसकी भी सुबह इंशाल्लाह सफाई करूँगा। डर ये रहता है पीछे से रैबिट को अकेला छोड़ते हुए, बिल्ली वगैरह ना आ जाए और रैबिट को खा ना जाए रैबिट को। इस डर की वजह से बार बार मैं इनको देखने के लिए आता हूँ और अभी मुझे मौत आ रही है सिर्फ इस सफाई को देखकर। दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। कल मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा।